स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, पार्ट 3 योग्य चुनाव। तो चलो पढ़ते पार्ट 3 योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से सवयों को सेवामुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले आप अपने जैसे सेवाभावी परोपकारी और ईमानदारी मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवामुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राजदरबार में पहुँचे। हर कारे गांव ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज्य दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सड़कों की संख्या में युवक दरबार में और जा रहे थे। इस रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध के कोई बार पहले कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज्य दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवारों युवकों में एक था कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज्य दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंक से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुँचे। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और सौर सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारा घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराजा, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य वैकित का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। जो लिखा है उसका नाम है सुधा शर्मा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई गलती है मेरा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे एक ईमेल भेजूंगी, उसमें आप मेरे को बता सकते कि मेरा क्या गलती है। धन्यवाद।